हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिम्फनी विंटर एयर कूलर की स्विंग मोटर की रिप्लेसमेंट बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसे चेक करके बता देते हैं कि इसमें स्विंग काम नहीं कर रहा है। तो हम इसे स्विंग मोड पे हमने इसे कर लिया है। अब हम इसे सप्लाई पे आपको चेक करके बताते हैं। ये हमने इसका प्लग लगा दिया, इसको हम ऑन कर रहे हैं। ये देखिए, हमने इसे ऑन किया। देखिए इसकी जो ब्लेड है मूव नहीं कर रही है। आपको पीछे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसके सारे जो बैक कवर हैं, पैड वगैरह सब खोल दिए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी स्विंग मोटर लगी हुई है और ये इसके देखिए ब्लेड हैं, ये बिल्कुल मूव नहीं कर रही हैं जबकि सप्लाई ऑन है। हम आपको इसे पंप पे ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए, आप पंप चालू है, सप्लाई चालू है, बट ये देखिए वापस स्विंग पे किया, स्विंग ब्लेड इसकी मूव नहीं कर रही है। इसकी स्विंग मोटर में प्रॉब्लम है। इसकी जो स्विंग मोटर है यहाँ पे ऊपर साइड में यहाँ लगी होती है और ये इसकी पूरी असेंबली लगी हुई है। तो दोस्तों, इसको हम पूरा निकालेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ इस मोटर के ये कनेक्शन जा रहे हैं ऊपर। देखिए, आपको पास से दिखाते हैं। यहाँ पे इसके ये वायर हैं, देखिए मोटर के वायर लगे हुए हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये दो वायर लगे हुए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसका जो ऊपर पैनल है, स्विच पैनल, इसको ओपन करेंगे। देखिए इसमें चार लॉक होते हैं, एक यहाँ पे लगा होता है और दो लॉक यहाँ पे और एक यहाँ ऊपर लगा होता है। तो हम फ्रंट वाला लॉक इसका ओपन करेंगे, ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसके बाद में इसके जो साइड वाले लॉक हैं, यहाँ से इस तरीके से हमें ये ऐसे ओपन करना है और सेम हम यहाँ से भी हम इसको, देखिए स्क्रू को इस तरीके से हम इसको ये ओपन करेंगे और इसको थोड़ा सा तिरछा करते हुए ऊपर वाला लॉक आराम से निकल जाता है। ये दो वायर आ रहे हैं देखिए स्विंग मोटर से। तो एक वायर तो डायरेक्ट यहाँ पे पूरा जो कॉमन है न्यूट्रल, वो सबके कंबाइंड किए हुए हैं, मोटर पंप मोटर और फैन मोटर और स्विंग मोटर के। और जो दूसरा वाला जो वायर है वो यहाँ पे स्विंग वाले पॉइंट पे, ये आपका थर्ड नंबर जो स्विच में पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे कनेक्ट है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले पॉइंट को, यहाँ से वायर को कट कर देंगे। ये हमने स्विंग का यहाँ से एक वायर कट कर लिया है। उसके अलावा जो इसका न्यूट्रल वाला जो वायर है उसको भी यहाँ से हम कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये न्यूट्रल वायर को भी कट कर लिया है और ये हमारे मोटर के दोनों वायर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल वायर है हमारा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से, अब देखिए इसको हमें कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताते हैं। इसमें ये जो लीवर है इसको यहाँ से निकालना है। देखिए आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे ये लॉक लगे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे ये लॉक लगे हुए हैं। तो इसको कैसे निकालना है, इसको ऐसे इस तरीके से ये ऐसे निकल जाता है। अब यहाँ सामने से, यहाँ से आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखिए ये लॉक हट जाते हैं, ये इजीली ये देखिए लॉक हट जाते हैं ऐसे। यहाँ से भी ये लॉक ऐसे हटा देंगे हम। ये हटाने के बाद फिर अब देखिए यहाँ पे ये इसका नॉब लगी हुई है, इसको धीरे से करके खींच लेंगे हम, खींच के हटाना है इसको। ये ऐसे खींच के आप इसे पूरी असेंबली को आप बाहर निकाल लीजिए। और एक और चीज़ आपको बताते हैं दोस्तों, यदि आपकी कभी ये नॉब रिप्लेस करनी है तो आप क्या करेंगे, इसको आपको हटाना पड़ेगा। अब इसको कैसे हटाना है ये आपको बताते हैं। तो ऐसा एक छोटा स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए और इस तरीके से यहाँ पे इसके लॉक लगे होते हैं, तो ऐसे आप यहाँ अंदर ऐसे लगाइए स्क्रू ड्राइवर को, तो हाथ को थोड़ा बचा के इसे इस तरीके से ऐसे पीछे से प्रेस कीजिए और यहाँ से इस तरीके से करना है।
तो आराम से इसके लॉक निकल जाते हैं। हाथ को बचा के करना है आपको ये काम। ये देखिए बिल्कुल धीरे से ये ऐसे लॉक निकल जाता है और ये आपका नॉब इस तरीके से निकल जाती है। अभी हमें मेन मोटर ओपन करनी है, तो मोटर के लिए देखिए यहाँ पे दो स्क्रू लगे हुए हैं, तो इन्हें हम खोलेंगे। तो देखिए इसमें स्टार स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम इसे खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों ये हमने एक निकाल लिया है, एक और यहाँ पे स्क्रू है। देखिए इसमें रस्ट लगी हुई है, आप चाहें तो इसमें मिट्टी का तेल या पेट्रोल वगैरह या कुछ स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं इसको खोलने की। देखिए दोस्तों ये इसमें बहुत ज़्यादा जंग लगी हुई है, तो इसमें आप मिट्टी का तेल वगैरह या पेट्रोल थिनर डाल के इसे या तो थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें। अभी हम फिलहाल इसे क्या है प्लास का इस्तेमाल करके इसे थोड़ा सा फ्री कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इस तरीके से कोशिश कर सकते हैं एक बार। देखिए प्लास से ये थोड़ा सा मूव कर गया, देखिए अब ये खुल जाएगा। ये देखिए देखिए दोस्तों ये आ गई हमारी मोटर बाहर। अब यहाँ से ये लॉक है तो इसको हटा लेते हैं। देखिए दोस्तों ये वायर यहाँ से ये हमने मोटर को बाहर निकाल लिया। अब एक बार इस मोटर को हम वापस दोबारा से आपको चेक करके दिखा देते हैं ये वर्क कर रही है कि नहीं, तो इसको थोड़ा सा छील लेते हैं हम। देखिए दोस्तों ये वायर को थोड़ा सा हम छील लेते हैं ताकि चेक करके आपको दिखा सकें। ये देखिए हमने दोनों वायर को छील लिया है। अब देखिए हम ये यहाँ पे इसको सप्लाई दे देते हैं। देखिए हमने इसमें सप्लाई लगा दी है, इसको ऑन कर देते हैं। देखिए इसकी मोटर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, आप देख पा रहे होंगे सप्लाई ऑन है। इसको हमने वापस बंद कर दिया। अब देखिए दोस्तों अब हम इसकी जगह नई मोटर लगाएंगे, ये आप देख पा रहे होंगे। इसे सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं और ये 4 वाट की रहती है और ये 220 से 240 वोल्ट 50 या 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे चलती है और ये 5 या 6 आरपीएम की मिनिमम इसकी स्पीड रहती है। तो दोस्तों इसे हम आपको चेक करके दिखाते हैं। इसमें देखिए एक पिन लगा हुआ है और एक नॉर्मल वायर है। अब हम इसे सप्लाई से इसे चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसमें सप्लाई दे दी है, अब हम इसे ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये मोटर हमारी मूव कर रही है, ये घूम रही है धीरे धीरे, आप देख पा रहे होंगे ये हमारी बिल्कुल ओके मोटर है नई वाली। चलिए अब ठीक है आपको, अब हम इसे वहाँ पे फिट करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इसको यहाँ पे हम फिट करेंगे, इसमें हम स्क्रू कस लेते हैं। इस तरीके से इसमें इस तरीके से इसमें स्क्रू कस लेना है। देखिए दोस्तों हमने इसे कस लिया है, अब ये वायर को हमें ऊपर से निकाल लेना है। देखिए दोनों वायर को हम यहाँ से ऊपर निकाल लेंगे।
पास दोबारा से टाइट कर देते। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे इनको बांध दिया है। अब ऊपर देखिए, हम आपको ऊपर दिखाते हैं। अब ये जो रेड वाला जो वायर है, इसको हम यहाँ पे जो हमारा स्विंग वाला जो पॉइंट है 3 नंबर, यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे। तो इसको यहाँ पे ऐसे प्रेस करके हम लगा देते हैं। ये प्रेस करके ये इजी लग जाता है, ये लॉक रहता है इसमें। तो ये देखिए, ये कनेक्ट हो गया। अब ये जो वायर है, इसे हम न्यूट्रल वाले से कनेक्ट करेंगे। जिसको हम यहाँ से छील लेते हैं। दोस्तों इसको इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इंसुलेशन टेप लगा देते हैं। इस तरीके से इसमें टेप लगा देना है। अच्छे से टेप लगाने के बाद इसको अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो वायर हैं इनको अच्छी तरह से, एक जो वायर टाई होती है उससे हम इनको बांध लेंगे। तो हम वायर टाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये वायर टाई का पैकेट आता है 40-50 रुपए का, आप ये ले सकते हैं चाहें तो। तो इस प्रकार से ये देखिए 2.5 mm की टाई है, 100 by 2.5 mm। तो हम इस टाई से इसको अच्छे से बांध लेते हैं। देखिए इसे तरीके से इसको, ताकि हमारा वायर प्रॉपरली फिक्स रहे एक जगह। इसको किस तरीके से करना है देखिए, यहाँ से ऐसे इसे खींच के, से ऐसे खींच के टाई हो जाएगा ये। ये देखिए टाइट हो गया। ऐसे हम इसको टाइट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा ऊपर से पूरा कनेक्शन प्रॉपर हो गया है। अब यहाँ से तो हम इसको फिट कर देते हैं। तो फिट कैसे करना है, पहले ये वाला लॉक जो है, ऊपर वाला लॉक पहले यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद ये साइड वाले लॉक, ये इस तरीके से ये लग गया। फ्रंट वाला भी ऐसे प्रेस करके ऐसे इशारे लग गए। तो यहाँ से तो हमारा काम हो गया पूरा। अब हम यहाँ पे लीवर को लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए, जो हमने ये जो लीवर निकाला था और इसका जो नाप का आपको तरीका बताया था कि इसको ये कैसे निकालना है, तो कभी ये ख़राब हो जाए तो इसको हमें वापस लगा लेना है। तो इस तरीके से इसमें लगा लेना है। और इसके बाद इसका जो ये जो क्लिप है, इसे भी लगा लेना है। तो अब इसका जो फ्लैट वाला हिस्सा है, इसको ऊपर साइड में यहाँ पर रखना है, यानी ऐसे इसको बस प्रेस करके ये लग जाएगा। ऐसे आप प्रेस करेंगे ये फिट हो जाएगा। ये देखिए लॉक रहते हैं इसमें। ये देखिए ये फिट हो गया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो नॉब है, इस नॉब को इसमें लगा देते हैं। तो इसको यहाँ पे आप देखिए, हमको दिखाते हैं आपको, ये इसमें ग्रिप बना हुआ है ना, कट लगा हुआ है, यहाँ पे भी कट लगा हुआ है। तो इसको थोड़ा मैच करते हुए इसमें लगाना है, फंसाना है आपने को। तो इसको हम थोड़ा ऊपर की ओर ऐसा कर लेते हैं, अब इसमें लगा लेते हैं। देखिए हमने इसे फंसा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो सभी जो होल हैं, इसके जो लीवर के होल हैं, उस होल को मैच करना है। ऐसे सभी को होल टू होल ऐसे मैच करना है। जो हमारी जो स्विंग वाले जो ब्लेड हैं, इनको
इस लीवर में होल मैच करना है। ये मैच कर लिए हमने, अब इनको बस प्रेस करना है हमें, ऐसे प्रेस करते जाना है। ये देखिए ऐसे प्रेस करना है ये, इसके बाद ये देखिए सिर्फ प्रेस करने से ये लग जाएगा। देखिए सारे लॉक लग गए, ये हमारा लीवर लग गया है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे आपको चेक करके दिखाते हैं। यहाँ से स्विंग पोजीशन पे हमने इसे ऑलरेडी रखा हुआ है, अब देखिए हम इसे सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं। ये हमने इसे सप्लाई दे दी है, अब हम इसे ऑन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों हमारी मोटर घूमने लगी है और जो ब्लेड है ये भी मूव करने लगी है। देखिए बिल्कुल ओके हो चुका है हमारा जो कूलर, देखिए इसकी स्विंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।